रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम अब तक 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है। जब भी ये टीम आईपीएल के मैदान पर उतरती है तो खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जाती है, लेकिन पिछले 2 साल में टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। टीम ने प्लेऑफ के लिए तो क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन टीम का सफर उससे भी काफी नीचे खत्म हुआ है। इसके बाद इस साल जब रिटेशन और रिलीज लिस्ट सामने आई तो कई सारे बड़े उलट फेर सामने आए हैं। टीम को फिर से उसी ट्रैक पर लौटना है तो इसी महीने की 19 दिसंबर को होने वाले ऑक्शन में कुछ ऐसे खिलाड़ियों को खरीदना होगा जो मैच जिताऊ हों। अगर मुंबई इंडियंस के रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट देखी जाए तो एक बात साफ नजर आ रही है कि टीम ने गेंदबाज ज्यादा रिलीज किए हैं। टीम की बैटिंग तो अभी भी काफी मजबूत नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है उसमें अरशद खान, रमनदीप सिंह, ऋतिक शौकीन, राघव गोयल, जोरफा आर्चर, झाई रिचर्डसन, रिले क्रिस जॉर्डन, संदीप वॉरियर का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, टीम ने अपने स्टार खिलाड़ी ग्रीन और आरसीबी के हाथों ट्रेड कर दिया है। वहीं उनकी जगह गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या को वापस ले लिया है। इसे टीम का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। हालांकि ये तो जब मुकाबले होंगे तभी साफ होगा कि हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी टीम में वापस आकर कैसा प्रदर्शन करते हैं। मुंबई इंडियंस के पास इस वक्त कुल 17 खिलाड़ी हैं, यानी टीम को अपना कम से कम स्क्वाड पूरा करने के लिए खिलाड़ी और ज्यादा से ज्यादा वाली सीमा तक जाने के लिए 8 जगह खाली हैं, जिसमें 3 जगह विदेशी खिलाड़ियों के लिए खाली है। अगर टीम के पर्स की बात की जाए तो 17.75 करोड़ रुपए बाकी है। मुंबई इंडियंस को एक ऐसे तेज गेंदबाज की जरूरत है जो जसप्रीत बुमराह के साथ बॉलिंग की शुरुआत कर सके और पावर प्ले में विकेट भी निकाल सके, साथ ही अगर जरूरत पड़े तो कुछ रन भी बना दे। ऐसे में टीम को जरूर पैट कमिंस जैसे गेंदबाज पर दांव खेलना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।